जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्विस क्लासेस केजीजी में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार दरोगा का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, मेंस का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। 12 फरवरी को डेट दे दिया गया है और अब मेंस में कुछ करेंट अफेयर भी पूछे जाते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के करेंट अफेयर ज़्यादा पूछे जाते हैं। मतलब पिछले साल बीत चुका है 2023 में, उसका ही ज्यादातर करेंट अफेयर पूछा जाएगा। तो आइए आज हम लोग कुछ 15 चुनिंदा करेंट अफेयर के बारे में तेजी से करते हैं। करेंट अफेयर पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है साथियों, लेकिन 10 मिनट रोज आप मेरे साथ करेंट अफेयर जरूर करें, ताकि अगर एक दो सवाल यहां से आ जाए तो आप आराम से बना सके। बाकी आज से कार्यक्रम हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। पहला है, भारत में गणतंत्र दिवस परेड की झांकी का थीम है। तो भारत में गणतंत्र दिवस परेड की झांकी का थीम क्या था? विकसित भारत था क्या, अमृत भारत था, या अजय भारत लोकतंत्र की मातृका, या विकसित भारत लोकतंत्र की मातृका? तो यही था, विकसित भारत और लोकतंत्र की मातृका। दूसरा सवाल है, कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश गणतंत्र दिवस 2024 की परेड के दौरान झांकी में भाग लिए? तो कुल जो है, देखिए 17 राज्यों ने भाग लिया था, और राम मंदिर की झांकी को बेस्ट पुरस्कार मिला, और फिर मणिपुर के झांकी को दूसरा पुरस्कार मिला। ठीक ना, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1950 में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इस बार तो आपको पता है कि कौन है, इमैनुअल मैक्रों है, फ्रांस के राष्ट्रपति। कौन है फ्रांस के राष्ट्रपति? और फ्रांस के राष्ट्रपति जो है 6वीं बार बने हैं। तो सबसे ज्यादा बार गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि बनने वाले कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति। लेकिन सबसे पहले बने थे डॉक्टर सुकर्नो बने थे। ओके, हाल ही में नई दिल्ली में डैश ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई इमारत कौशल भवन का उद्घाटन किया है। देखिए, हाल ही में नई दिल्ली में डैश ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई इमारत कौशल भवन का उद्घाटन किया है। ये किया गया है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली दलित राष्ट्रपति है। ओके, भारत में पहला गणतंत्र दिवस परेड किस वर्ष आयोजित किया गया था? भारत में पहला गणतंत्र दिवस परेड जो है कहाँ, 1955 में। पहले इसका नाम क्या था? राजपथ। अब इसका नाम क्या है? कर्तव्य पथ। तो कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया है, 1955 में पहली बार आयोजित किया गया था। भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2024 में जो 20 जनवरी से प्रारंभ है, यह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जा रहा है? भारत हस्तशिल्प महोत्सव जो 2024 जो 20 जनवरी से है, यह लखनऊ में, नवाबों के शहर लखनऊ में। लखनऊ से ही कौन थी? बेगम हजरत महल थी, 1857 की क्रांति में भाग ली थी, नवाबों का शहर। ओके, तो बेगम हजरत महल ने अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना की शुरुआत देश तथा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से की गई है। ये अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना की शुरुआत पर्यटन मंत्रालय और साथ ही साथ पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। कौन 27 से 28 जनवरी को होने वाले कृषि मेला स्टार्टअप एक्सपो उत्कृष्टता 2024 के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा? ये किसके द्वारा किया जा रहा है? ये किया जा रहा है IIT काशीपुर के द्वारा। किसके द्वारा? IIT काशीपुर कहाँ है? UP में है। ठीक है ना साथियों, गणतंत्र दिवस के रूप में भारत के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में एक साल तक चलने वाला अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? हमारा संविधान हमारा उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति है। हमारा संविधान हमारा सम्मान मोस्ट है, अब एक साल तक क्या चलेगा? हमारा संविधान हमारा सम्मान। ओके, अगला है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने दो उत्पाद सरल स्वाधन सुप्रीम और स्टार्ट स्वाधन सुप्रीम लॉन्च किया है? सरल स्वाधन सुप्रीम और स्टार्ट SBI लाइफ इंश्योरेंस ने स्टार्ट किया है क्या चीज? सरल स्वाधन सुप्रीम और स्मार्ट स्वाधन सुप्रीम। हाल ही में कौन सा बैंक RXIL ग्लोबल IFSC लिमिटेड RXIL के इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म ITFS पर निर्यात वित्त लेन देन निष्पादन करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? ये कौन है? यस बैंक है। कौन सा साथियों है? यस बैंक। हाल ही में कौन सा बैंक PCCI द्वारा हाल ही में वर्ष 2022-23 सीजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2022-23 के लिए सीजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का पुरस्कार भारत की छोटे बालों वाली दीप्ति शर्मा को दिया गया है।
भारत के निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 2024 को डैश राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया, 14वां मतदाता दिवस मनाया गया है। तीन नंबर का, 14वें नंबर का मतदाता दिवस मनाया गया। और अभी हमारे जो चुनाव आयुक्त है वो कौन है, राजीव कुमार जी है। ओके, अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने किस प्रकाश बल्ब का आविष्कार किया था, किस वर्ष प्रकाश बल्ब के आविष्कार किया था, ये थॉमस अल्वा एडिसन ने वर्ष 1879 में क्या किया था, तो बल्ब का आविष्कार किया था। और आज हम लोग क्या है आसानी से कहीं भी पढ़ लेते हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। कहता है, निम्नलिखित में से किसने 25 जनवरी 2019 को आज ही के दिन राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया। तो ये थे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। निम्नलिखित में से किसने 25 फरवरी 2019 को आज ही के दिन राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया, तो ये थे नरेंद्र मोदी। आज का सुविचार है, चुनौतियों को स्वीकार करो क्योंकि इससे या तो सफलता मिलेगी या शिक्षा। ओके, तो चुनौतियों को क्या करना है, स्वीकार करना है, इससे या तो सफलता मिलेगी या फिर क्या मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सर्विस क्लासेस केजी जी के साथ जुड़े रहिए। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं और बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आपको बहुत कुछ और भी जानने को मिलेगा हमारे चैनल पे। ओके, हम लोग अपने चैनल पे बहुत जल्द ये स्टार्ट करने वाले हैं, हर मंथ का ये चलेगा। ओके, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिहार विशेष, इसमें हम लोग एक दो चीज पॉइंट आपको कराते हैं। अभी जैसे अभी आपको पता है कि कल ही बिहार के कुछ चुनिंदा लोगों को क्या दिया गया है, पद्मश्री और पद्म विभूषण, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य की दर्जा क्या है, पूरा डिटेल है, इसको हम लोग करेंगे आराम से, ताकि जो आगामी एग्जाम है उसमें हम लोग इससे बहुत कुछ सीख सके। गंगा नदी पर नया 6 लेन का पुल, आईटी बिहार की नई आईटी और पर्यटन नीति, बिहार बिजनेस स्ट्रक्चर। आप लोग बस पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, दो चार क्वेश्चन और देखना है, देख लीजिए। भारत में थोरियम का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है, केरल में है। थोरियम का अयस्क क्या है साथियों, तो थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट, थोरियम का अयस्क है। ओके, मोनाजाइट क्या है, थोरियम का अयस्क है। और केरल में सर्वाधिक है, केरल के तट को क्या कहते हैं, केरल के तट को कहते हैं, केरल के तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट। ओके, बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 के लिए भारत में मसालों का बगीचा किस राज्य को कहते हैं, मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनरायी विजयन। राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद। ओके, अगला है कथकली किस राज्य का नृत्य है, तो कथकली जो है यह आंध्र प्रदेश का क्या है, कथकली है। ओके सॉरी, कथकली जो है ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है कथकली और भरतनाट्यम, और आंध्र प्रदेश का क्या है, कुचिपुड़ी। ओके, कुचिपुड़ी किस राज्य का है, तो आंध्र प्रदेश का। मुख्यमंत्री कौन है, चंद्रशेखर, वो कौन है अभी। कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, कालबेलिया नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949 में हुआ आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। ओके, पूंजी बाजार में ऑर्बिटस क्या होता है, तो पूंजी बाजार में ऑर्बिटस होता है करेंसी के बीच मूल्य का अंतर। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, करेंट अफेयर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सर्विस क्लासेज के जी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, श्री शिवाय, नमस्ते।